अगर आप अपने न्यू स्मार्टफोन को 4 साल तक ठीक तरीके से चलाना चाहते हो, उसमें जो आपको मेन प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वो है उस फोन का बैटरी बैकअप। 1.5 साल 2 साल के बाद ही बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा कम मिल जाता है, इसीलिए शायद उसको बदल लेते हो या फिर स्मार्टफोन को ही बदल लेते हो। लेकिन अगर आप कुछ अच्छे चार्जिंग हैबिट्स को अपने डेली लाइफ के अंदर अप्लाई कर दोगे तो आपको स्मार्टफोन का जो बैटरी है वो तो ही ज़्यादा टाइम तक चलेगा। बैटरी का जो मेन रूल है वो ये है कि स्लोली चार्जिंग होना, स्लोली डिस्चार्जिंग होना। लेकिन हम लोग हर एक स्मार्टफोन के साथ फास्ट चार्जिंग जो मिलते हैं उसी से चार्ज कर देते हैं, 50 वाट, 60 वाट, 120 वाट, पता नहीं कितने कितने वाट का चार्जर है। इसलिए क्या होता है कि बैटरी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसके साथ साथ जितने भी सारे फास्ट चार्जिंग है वो बैटरी को ही नुकसान कर देता है, परमानेंट डैमेज भी कर देता है। इसीलिए आप देखोगे कि जितने भी सारे फास्ट चार्जिंग वाले स्मार्टफोन है वो 4000-4500 mAh मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा इमेज का आपको नहीं देता बैटरी। लेकिन जितने भी सारे बड़े बड़े इमेज के बैटरी वाले स्मार्टफोन जैसे 7000 mAh, 6000 mAh, उसके साथ साथ आपको स्लो चार्जिंग ही मिलेगा, फास्ट चार्जिंग बड़े बड़े इमेज बैटरी के साथ आपको नहीं मिलेगा। तो हमेशा अगर आपको बैटरी को लंबा चलाने के लिए सोचते हो तो आपको बैटरी को 0% तक कभी डिस्चार्ज नहीं करना है। सेम टू सेम रूल अप्लाई होता है 100% तक चार्ज करने पर, कोई भी 100% तक चार्ज मत करना, कोई भी 0% तक डिस्चार्ज ना करना। क्योंकि जब भी आप 100% तक चार्ज कर देते हो या फिर 0% तक डिस्चार्ज कर देते हो तब आपका जो कैथोड और एनोड है बैटरी का उसके अंदर कुछ लेयर पड़ जाता है जो आपको बैटरी को परमानेंटली डैमेज कर देता है। मेनली क्या होता है कि जब आप 100% तक चार्ज करते हो तो कुछ और लेयर पड़ जाता है, उसमें क्या होता है कि नेक्स्ट डे तक चार्ज करोगे तो आपको दिखा देगा कि 100% चार्ज, लेकिन बैटरी अपने फुल कैपेसिटी पे चार्ज नहीं हो पाएगा और फुल कैपेसिटी पे डिस्चार्ज भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 20% से लेकर 80% का इसी रेंज पे चलना है। आप अगर 50% से प्लस 15 या फिर 50% माइनस 15 इसी रेंज पे चलते हैं, मतलब 35% से लेकर 75% तक इसी रेंज पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग करते हो हमारे आपके फ़ोन को, तो आपका बैटरी लाइफ 6 साल तक चल सकता है, ऐसे रिसर्च पे देखा गया है। तो 50% के आसपास जितना रहोगे आपका बैटरी उतना ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बैटरी को टॉप अप चार्ज करने पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, ऐसा नहीं है कि 20% पे ही आपको चार्ज देना है, 30% पे है चार्ज दे सकते हो, 40% पे है तब भी चार्ज दे सकते हो, 50% से ज़्यादा है तो चार्ज ना दो तो भी अच्छा है। तो टॉप अप चार्जिंग कर सकते हो, 50% के आसपास जितना रहोगे उतने आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा मिलेगा। और जब आप गेमिंग करोगे तो फोन अगर बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है तो चार्जिंग पे लगाकर फोन हीट हो रहा है, नेटवर्क भी ख़राब है, तो गेमिंग मत करना, आपके बैटरी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ, ऐसा इसी चीज़ को ध्यान में रखना तो आपको बैटरी ज़्यादा टाइम तक चलेगा। अब अगर 100% आपका फ़ोन चार्ज हो चुका है तो उसको सारा दिन तक चलाने के लिए आपको कुछ चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे बैकग्राउंड में जितने भी सारे एनिमेशन है उसको बंद कर सकते हो, जितने भी सारे लॉजिकल एप्लीकेशन आपको ज़रूरत नहीं है उसको बंद कर सकते हो, फोर्स स्टॉप कर सकते हो, उसके साथ साथ ब्लैक वॉलपेपर को अप्लाई कर सकते हो, सेंसर को बंद कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपका बैटरी 100% में ज़्यादा टाइम तक चलेगा दिन के अंदर। एनिमेशन बंद करने से और वॉलपेपर को डार्क करने से आपका दिख जाओगे कि 1.5 घंटे 2 घंटे ज़्यादा चल रहा है। डार्क वॉलपेपर सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बैटरी को सेव कर देता है। तो अगर इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।